सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं विजयादशमी समिति के संरक्षक एवं विश्व हिंदू परिषद के भिलाई शहर अध्यक्ष राजीव चौबे से ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने खास बातचीत की है, जिसमें शत चंडी यज्ञ की विस्तृत जानकारी देते हुए राजीव चौबे ने हिंदुत्व की अलख जगाई और विगत 18 वर्षों से स्मृति नगर में होने वाले नव दुर्गा उत्सव के बारे में विस्तार से चर्चा की। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ शाहिन खान। दर्शकों, हिंदुस्तान में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से जो दुर्गोत्सव नवरात्र पर्व है, इसकी एक अलग ही इसका अलग ही महत्व होता है। माता दुर्गा 9 दिनों तक विराजमान रहती है। विभिन्न जो हिंदू धर्म में भी कई ऐसे धर्म हैं जो कि अलग अलग तरीके से माता की स्थापना करते हैं, जैसे बंगाली समाज हुआ या हिंदू जो रीति रिवाज हुए। आज हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं, हिंदुत्व इनके रग रग में है, विश्व हिंदू परिषद के शहर अध्यक्ष हैं, साथ ही समाज सेवी हैं और इसके साथ ही साथ स्मृति गृह निर्माण समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। हाँ, बात कर रहे हैं राजीव चौबे सर की, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे, इस पूरे पर्व की जानकारी देंगे, साथ ही ये शतचंडी यज्ञ कराते हैं जिसका 2रा वर्ष है, इसको लेकर के भी हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। पहले आपको नवरात्र पर्व की बधाई, आज नवमी है और शतचंडी यज्ञ का हमने देखा, हम पूरे 8 दिन तक हमने जो कवरेज दिया, हम जानना चाहेंगे शतचंडी यज्ञ है क्या। ये जो सप्तशती माता की सप्तशती जो कथा है, तो चंडी पाठ भी कहते हैं, जब उसका पूरा पाठ होता है एक बार, तो वो शतचंडी पाठ कहलाता है। शतचंडी मतलब वो जो चंडी पाठ है वो 100 बार होता है। तो इस नवरात्रि में ये माता शक्ति की दोनों नवरात्रि और हमारे यहाँ 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, तो ये जो 4 नवरात्र होते हैं, इसमें माता शक्ति की, माता दुर्गा जो आदिशक्ति जगदम्बा माँ की उपासना का विशेष महत्व है। और माता जागृत होती हैं इस समय, माता जागृत अवस्था में होती है और बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है माता की आराधना का। ये परंपरा प्रारंभ हुई, एक तो देखिए सबसे पहले आदि काल में जब असुरों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और इन असुरों से लड़ने के लिए देवताओं को जब वो बार बार परास्त कर दे रहे थे, तब देवताओं के आह्वान पर समस्त दैवी शक्तियों का, समस्त देवताओं की शक्तियों के एक पुंज से आदिशक्ता आदिशक्ति माँ जगदम्बा की उत्पत्ति हुई, माता जगदम्बा की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने महिषासुर जैसे बहुत सारे असुरों का, जो सुरलोक में जो आतंक मचाए हुए थे, उनका वध किया। तो अधर्म की अधर्म के विनाश के लिए माता शक्ति का उद्भव हुआ। और उसके बाद ये जो शतचंडी जो है, मतलब चंडी पार जो है सप्तशती, उसमें उसका पूरा वर्णन है किस तरह माता की उत्पत्ति हो, देवताओं ने कैसे उनको प्रसन्न किया, उसके बाद किस तरह उन्होंने असुरों का वध किया। तो इस पाठ का जब 100 बार होता है तो वो शतचंडी कहलाता है। यदि अगर 1 लाख पाठ हो गया तो लक्ष्य चंडी कहलाता है। इस प्रकार चंडी पाठ की पुनरावृत्ति जो होती है 9 दिनों में 100 बार होती है। और यज्ञ होता है रोज, उसके साथ हवन होते हैं, आहुतियाँ होती है और आज नवमी के दिन पूर्णाहुति होती है। आप कब से करा रहे हैं आप शतचंडी यज्ञ? ये शतचंडी यज्ञ का मेरा 2रा वर्ष है। इसका एक और महत्व विशेष आपको सबसे बताना चाहूँगा। तो जब भगवान राम लंका पर उन्होंने आक्रमण किया रावण को परास्त करने के लिए, तो जब मेघनाथ और कुंभकर्ण आदि सारे बड़े योद्धा मारे गए, जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो 2 दिन के युद्ध में भगवान राम ने जब देखा, उनको महसूस हुआ कि रावण की जो शक्ति है वो असीमित या परिमित शक्ति का मालिक था रावण। तो बड़ा राम भगवान राम असमंजस में आए कि इसको कैसे पराजित किया जा सके। जब ऋक्षराज जामवंत जो सबसे वयोवृद्ध और सबसे ज्ञानी थे भगवान राम की सेना में, उन्होंने बताया कि प्रभु रावण को शक्ति का विशेष वरदान प्राप्त है और आप देखिए कि शक्ति का जब तक आप आह्वान नहीं करेंगे, जब तक आप शक्ति का आशीर्वाद नहीं लेंगे, माता दुर्गा का आशीर्वाद नहीं लेंगे, शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी, आप रावण को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने एक साथ उसके साथ ये भी बात की, जब अधर्म के साथ खड़े रावण को माता आशीर्वाद दे सकती है, तो आप तो धर्म के लिए लड़ रहे हो, तो आपको क्यों नहीं देंगे। तो भगवान राम ने 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की, वही है नवरात्रि, यही वो काल था। 9 दिनों तक आराधना की और उसके बाद देखिए आप कल दशहरा है, तो 9 दिनों की जब आराधना उन्होंने साधना की, माता शक्ति को साधा और उनको आशीर्वाद, उनको 9वें दिन माता ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, तो 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए नवरात्रि और दशहरा जो है लगा वही है, उसका विशेष महत्व है। तो ये पर्व नवरात्र का जो होता है, ये शक्ति की साधना का पर्व है। आपने 9 दिनों का व्रत रखा, माता से कैसे कामना करते हैं, क्या कामना करते हैं? देखिए, हमारे मूल में जो है ना, सनातन संस्कृति के मूल में सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामय,
तो हम तो हर किसी की मतलब ये जो मूल वो है कि विश्व के कल्याण के लिए कोई भी यज्ञ हो तो उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है कि विश्व के कल्याण के लिए सबका कल्याण हो, तो सबके कल्याण की भावना के साथ, और स्मृति नगर में चूंकि हो रहा है तो स्मृति नगर के कल्याण की हम विशेष कामना करते हुए इस यज्ञ को करते। जैसे कि देखा गया 9 दिनों तक के राज गरबे का भी भव्यता से आयोजन हुआ, ये किस तरह का आयोजन था, इसको कौन सा वर्ष? ये जो राज गरबा हो रहा है ये 18वां वर्ष है जब से यहाँ दुर्गा माता की स्थापना हमने प्रारंभ किया 2006 में, तब से राज गरबा हो रहा है। वास्तविक रूप से राज गरबा आजकल जो जिसको एक उत्सव या एक नृत्य का रूप दे दिया गया है, गरबे का महत्व जो है वो है कि वो माता को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं जो है वो नृत्य करती है, वो गरबा है। तो इसलिए देखिए हमारे प्रांगण में बहुत ही ज़्यादा शुचिता का ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ महिलाएं गरबा करती हैं, पुरुष जो हैं वो नहीं होते यहाँ पर, और माता को प्रसन्न करने के लिए जो विधिवत जो परंपरागत जो गरबा है वो हमारे यहाँ होता है, आधुनिकता का इसमें समावेश नहीं हुआ है अभी तक। नवरात्रि में माता 9 स्वरूपों में होती है ऐसा मुझे पता चला है, मैंने पढ़ा भी है, ये कौन कौन से 9 रूप? प्रथमम शैलपुत्री था, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगंडे, कुशमांडी था, चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाती थी, षष्ठम कात्यायनी था, सप्तम कालरात्रि थी, माँ गौरी थी, अष्टम, तो ये 9 रूप है माता के जिनकी अलग अलग दिन पूजा होती है। मुझे ही लगता है कि इतना किसी को कंठस्थ हुआ जिस तरह से आपने बताया, और अभी हिंदू परिषद के आप शहर अध्यक्ष बहुत चुन करके बताया गया है, हिंदुत्व आपके रंग रंग में है ये देख कर मुझे लगता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? यही कहना चाहूँगा कि माता रानी सबके ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। हमारा जो शहर है पूरे भारतवर्ष का एक लघु भारत के रूप में जिला स्थापित है, सभी धर्म सभी संप्रदाय सभी बोली भाषा सभी क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ बसते हैं, तो सबके ऊपर माता की कृपा हो, सब खुश रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब समृद्ध रहें, सब प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना। आप शहर अध्यक्ष हैं गणित के, कल दशहरा पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, आप शहरवासी जी विजयदशमी के अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस विजयदशमी निश्चित रूप से अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हो और हम सद्मार्ग पर चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना 9 दिनों का उपवास रख कर के भी इतनी एनर्जी, माता की कृपा है जो आपके अंदर तो ये थी राजीव चौधरी जी हाँ, विहिप विश्व हिंदू परिषद के शहर अध्यक्ष, स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी सी जानकारियाँ दी, नवरात्रि को लेकर के भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लगातार हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़।